भोजपुरी की फेमस एक्ट्रेस संभावना सेठ को लेकर आई है एक बार फिर से बेहद ही बड़ी खबर सामने। ये बात तो आप जानते ही है कि भोजपुरी एक्ट्रेस संभावना सेठ के पिता का निधन हो गया और निधन की वजह से पूरी तरह से टूट चुकी है बेचारी बेटी संभावना सेठ, क्योंकि संभावना सेठ अपने पिता के काफी ज्यादा क्लोज थी, अपना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शेयर करती थी अपने पिता के साथ। और इसकी बातें तब सामने आई जब अक्सर सोशल मीडिया पर संभावना सेठ अपने पिता से जुड़ी तमाम वीडियोस और पिक्चर्स को फैंस के साथ शेयर करती थी। अब ऐसे में पिता के निधन के बाद बुरी तरह टूट चुकी है संभावना सेठ और अब खबर आई है सोशल मीडिया पर कि अपने पिता के निधन के बाद संभावना सेठ ने किया है एक और खुलासा। संभावना सेठ ने लाइव वीडियो पर अपने पिता से जुड़ा, उनके निधन से जुड़ा कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनने के बाद सभी के होश उड़ गए। क्या है खबर, देखिए रिपोर्ट। कोरोना काल लोगों के लिए वाकई काल बनकर आया है। कई लोगों ने अपने करीबी लोगों को इस वक्त कोरोना की इस महामारी के चपेट में आते खो दिया, तो वही भोजपुरी और बॉलीवुड फिल्मों की फेमस एक्ट्रेस संभावना सेठ, जिसने इस बात की खुद जानकारी दी थी कि उन पर दुखों का पहाड़ टूट चुका है। संभावना सेठ के पिता का निधन हो गया। संभावना सेठ के पिता बीते दिन कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसकी जानकारी खुद सोशल मीडिया के जरिए संभावना सेठ ने दी थी, जिसके बाद शाम के वक्त ये खबर आई कि इस दुनिया को अलविदा कह गए संभावना सेठ के पिता। इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर की गई। संभावना सेठ के ऑफिशियल इंस्टा अकाउंट के जरिए पोस्ट शेयर किया गया। इस पोस्ट में लिखा कि आज शाम 5:30 बजे संभावना ने COVID-19 के बाद उनके पिता को दिल का दौरा पड़ा और संभावना ने अपने पिता को खो दिया। कृपया संभावना सेठ को आपकी प्रार्थनाओं की जरूरत है, उसे प्रार्थनाएं दीजिए और उसे मोटिवेट कीजिए। बता दें कि इसी पोस्ट के नीचे संभावना के पति अविनेश त्रिवेदी का नाम लिखा है, जिससे ये बात जाहिर साफ होती है कि उनके पति ने ही इस पोस्ट को शेयर किया है। संभावना के इस पोस्ट पर उनके फैंस दुख व्यक्त करते नजर आए और लोग इस पोस्ट पर संभावना के पिता की आत्मा की शांति की कामना भी कर रहे हैं और एक्ट्रेस के परिवार को लेकर कई सारी बातचीत भी कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। बता दें कि संभावना सेठ के पिता कोरोना की चपेट में आ गए थे, जिसके बाद से संभावना सेठ के पिता को अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा था, जिसकी गुहार संभावना सेठ ने सोशल मीडिया के जरिए लगाई थी। संभावना सेठ ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के जरिए पोस्ट शेयर कर लिखा था, दिल्ली के जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में बेड दिलाने में कोई मेरी मदद कर सकता है, ये मेरे घर के बेहद नजदीक है। मेरे पिता कोरोना पॉजिटिव है, उन्हें बेड की जरूरत है, वो इस समय मेरे भाई के साथ हॉस्पिटल के बाहर बेड पर इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि अब निधन के बाद सामने आई है संभावना सेठ की एक बेहद ही इमोशनल वीडियो। दरअसल ये वीडियो तो पुरानी है, लेकिन वीडियो के साथ इसमें कई सारी बातचीत संभावना सेठ ने लाइव वीडियो पर आकर अपने फैंस के साथ की है। संभावना सेठ ने इस वीडियो में चश्मा लगाया हुआ है और साथ ही यहाँ पर घर से बैठे फैंस के साथ लाइव वीडियो कर रही है। संभावना सेठ ने इस वीडियो को शेयर करते हुए इस पर कैप्शन भी दिया है। संभावना सेठ ने लिखा है, तो कोविड रिलेटेड टॉक्स। आपको बता दें कि यहाँ पर संभावना सेठ ने इस वीडियो में कोरोना बीमारी को लेकर फैंस के साथ बातचीत की है, जिसमें फैंस बता रहे हैं कि उनके घर के आसपास किसे कोरोना हुआ या फिर कोरोना की इस बीमारी से किस तरह से उनकी जान बची या कितने टाइम बाद आप रिकवर कर सकते हैं इस बीमारी से, या फिर इधर ये बातचीत भी हुई कि कोरोना बीमारी की चपेट में हम ना आए उसके लिए हमें किस तरीके की सावधानियां बरतनी होगी। इस पर भी हुआ है खुलासा संभावना सेठ की इस वीडियो से। और क्या क्या बातचीत हुई है इस वीडियो में, ये आपको वीडियो हमारी रिपोर्ट में नजर आ रही होगी, जहां पर इस वीडियो में संभावना सेठ ने इस बात का जिक्र भी किया था
कि हम जैसे कोई कोरोना पेशेंट बीमारी से जूझ रहा है तो हम उसके लिए फूड प्रोवाइड कर सकते हैं, हम उसकी मदद कर सकते हैं, उसे कोई दवाई नहीं मिल रही, हम वो दवाई उन्हें दिलवा सकते हैं। जिसमें संभावना सेठ सिर्फ मेडिसिन या फिर फूड की नहीं बल्कि ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड करने की भी बात कर रही है। हमारा मेन मकसद ये है कि जहाँ पर संभावना सेठ कोरोना पेशेंट्स की मदद के लिए खुद आगे आई थी, लोगों से मदद के लिए अपील कर रही थी, खुद लाइव चैट पर उनसे कोरोना को लेकर बातचीत कर रही थी, लोग उनसे मदद भी मांग रहे थे, कई सारे मैसेजेस हैं इसमें जहाँ पर कुछ लोग दवाई भी मांग रहे थे संभावना सेठ से। लेकिन वही आज अगर देखा जाए तो जिन पेशेंट्स के लिए संभावना सेठ आगे आई थी, जिनकी मदद संभावना सेठ कर रही थी, आज संभावना सेठ के पिता उसी बीमारी के चलते दुनिया को अलविदा कह गए। वाकई ये बेहद ही दर्द भरी खबर है जिसने संभावना सेठ को काफी ज्यादा तोड़ दिया। बता दें कि इस लाइव चैट के दौरान संभावना सेठ इस कोरोना की बीमारी के चलते जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है या जिनका निधन हुआ है उनके लिए काफी ज्यादा रोती नजर आई थी संभावना सेठ। और साथ ही संभावना सेठ ने सबसे गुजारिश की थी कि सभी लोग घर में रहें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और साथ ही मदद करें सबकी ठीक रहने में। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। तो ये थी संभावना सेठ की वो वीडियो जिसमें संभावना सेठ को लेकर हुआ ये चौंकाने वाला खुलासा, जहां पर संभावना सेठ की ये इमोशनल वीडियो काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और लोग संभावना सेठ को लेकर काफी ज्यादा तारीफें कर रहे हैं। नेक्स्ट नाइन लाइव से रजनी की रिपोर्ट। तो देखा आपने, ये थी आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट संभावना सेठ के पिता के निधन को लेकर, जहां पर एक बार फिर से पिता के निधन के बाद सामने आए बेचारी संभावना सेठ और रोते रोते आंसू के साथ बयां किया अपना दर्द अपने पिता के निधन पर और माँ के अकेलेपन पर। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। गुड बाय।